नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम समय चक्र में। मैं हूं आपके साथ प्राची पारशर, एक बार फिर से हाजिर हैं लेकर हमारे खास कार्यक्रम जिसमें होता है आपका राशिफल, साथ ही साथ एक खास विषय होता है जिस पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रो फ्रेंड पंडित शशि शेखर त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय गणपति। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग क्या है। संवत 2076 माह भाद्रपद शुक्ल पक्ष है, तिथि षष्ठी है, वार बुधवार है, योग इंद्र योग है, चंद्रमा तुला राशि में संचरण करेंगे, नक्षत्र विशाखा नक्षत्र है, राहु काल दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहेगा। इस बीच में कोई भी शुभ कार्य नहीं करने हैं। ध्यान रखिएगा कि कोई मीटिंग हो या किसी को कोई टोकन मनी देनी हो या कोई रजिस्ट्री करानी हो, कोई भी शुभ कार्य, कोई सामान भी अगर आप खरीदने जा रहे हैं, कोई बड़ा सामान है तो अवॉइड करिए, राहु काल को छोड़ दीजिए। दिशा शूल उत्तर दिशा की ओर है, यानी आज उत्तर दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी है। तो यात्रा अगर कोई बहुत ज़रूरी काम है तभी आप जाइए, और इसके लिए कुछ हरी पत्तियों वाली सब्जी खा सकते हैं, और नहीं कुछ है तो आप जो भी नाश्ता करें उसमें हरी धनिया जरूर डाल लें। तो ये है आज का पंचांग। अब दर्शकों, वक्त उछला है अपने कार्यक्रम में आपका राशिफल जानने का। आइए सबसे पहले जानते हैं पहली चार राशियों का राशिफल क्या कहता है। मेष राशि वालों के लिए फोकस है, कर्म प्रधान बनकर कठोर परिश्रम करना होगा, भाग्य भरोसे बैठना ठीक नहीं है। पाचन से संबंधित जो आपको दिक्कतें चल रही थी उनसे भी अब मुक्ति मिल जाएगी। अलर्ट रहना है कि यातायात नियमों का पालन बहुत ध्यान से करिए, वरना आपका चालान कट सकता है, क्योंकि ग्रही स्थिति इस तरीके की बनी हुई है। वृष राशि वालों के लिए फोकस है कि काम सीखने का ये समय चल रहा है, आप काम सीखिए। ऑफिस में अनावश्यक अवकाश लेने के बजाय आपको काम पर फोकस करना चाहिए। अलर्ट है, मोबाइल चार्जिंग के दौरान बिल्कुल बात ना करें, क्योंकि कुछ विद्युत से संबंधित कुछ नुकसान हो सकता है या एक्सीडेंट हो सकता है। मिथुन राशि वालों के लिए फोकस है, ऑफिस में जितना हो सके शांत रहिए, अपने कार्य को खत्म करिए, पेंडिंग काम को समाप्त करिए, समय निकालकर थोड़ी देर ध्यान करें, इससे बहुत फायदा होगा, स्ट्रेस भी कम होगा। अलर्ट रहना है कि बच्चों के साथ अगर ट्रेवल पर कहीं जा रहे हैं तो सचेत रहिए, उनकी दवा वगैरह लेके जाइए, स्वास्थ्य खराब हो सकता है। कर्क राशि वालों के साथ फोकस है, उदार हृदय के साथ पार्टनरशिप करनी होगी और पार्टनर के साथ आपको बहुत अच्छा व्यवहार करना होगा, क्योंकि आज जो आप निर्णय लेंगे उसमें भरोसा दिखना चाहिए। आपके मन की शुद्धता ही आपकी पहचान है, अन्य व्यक्तियों की बुरी आदतों को समाप्त करने का ये एक अच्छा समय है। अलर्ट है, खर्च पर पैरी नजर रखिए, आर्थिक रूप से समस्या हो सकती है। तो ये था पहली चार राशियों का राशिफल। कहां पर करना है आपको फोकस, कहां पर रहना है आपको अलर्ट, ये हमने जाना। अब दर्शकों, वक्त है खास विषय पर चर्चा करने का। खास विषय आज सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। सोशल मीडिया का क्रेज इन दिनों लोगों में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसके पीछे कौन सा प्लेनेट जिम्मेदार होता है, क्या होता है इसका ज्योतिषी कारण, ये हम जानेंगे शशि जी से। दर्शकों, आज के इस कम्युनिकेशन के युग में सभी लोग सोशल मीडिया से तो भली भांति परिचित हैं, और क्यों ना हो, क्योंकि काफ़ी समय इस दिशा में लग भी रहा है। पहले हम लोग प्रचार प्रसार के लिए अखबारों में, मीडिया में जाते थे, अब तो कई चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि सोशल मीडिया में ही हम लोग पोस्ट कर देते हैं और चीज़ें प्रसारित हो जाती हैं। समस्या हो, सलाह हो, मनोरंजन हो, सभी डायमेंशन अब सोशल मीडिया में आ गए। एक क्लिक करते ही आपकी पोस्ट या आपकी फ़ोटो पूरे विश्व में पहुंच जाती है। दर्शकों, पहले फोटोग्राफी जो होती थी उसका प्रयोग जब करते थे तो उसमें का सरकारी दफ्तरों में होता था, शादी में होता था, अपनी यादों को संजोने के लिए हम लोग एल्बम बनाते थे, संस्कारों की फ़ोटोएं खींचते थे, शादी हो, बर्थडे हो,
लेकिन अब जो बदला स्वरूप है समाज का, इसमें मोबाइल आ गया, कैमरे खत्म हो गए, मोबाइल में ही इनबिल्ट हो गया, तो अब पल पल के इवेंट फोटो में कन्वर्ट हो रहे हैं और इसके माध्यम से हम लोग छोटी छोटी घटनाएं पोस्ट भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, अनेक ऐसे माध्यम हैं जिसमें कि पूरे विश्व के पटल पर हम लोग अपनी चीज़ों को प्रसारित करते हैं। सर्विस सेक्टर में भी इन चित्रों की अनिवार्य हो गई है, यानी इसको एक डिसिप्लिन से जोड़ लिया गया है कि आप ऑफिस पहुंच जाएंगे तो वहां फ़ोटो खींचेंगे। नगर निगम या इस तरीके की जो संस्थाएं हैं जो गवर्नमेंट की, वो अगर काम उन्होंने कर दिया है, सफाई कर दी है, तो उसके बाद वो फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं। ये फ़ोटो जो है, ये जो चलचित्र है, इसका सीधा संबंध राहु से है। समझने यहाँ ये है कि राहु को कहते थे छाया ग्रह। छाया ग्रह यानी किसी की परछाई, और फोटो को भी हम लोग छाया चित्र कहते थे, छायाकार कहते थे फोटोग्राफर को, जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे। तो राहु का सीधा कनेक्शन है फोटो से। और दर्शकों, फोटो में तो अब लोग खूब पोस्ट कर रहे हैं, फोटो क्या है, आपका चेहरा है। और मज़ेदार बात यह है कि जो लोग सेल्फी खींचते हैं अपने जो महिमा मंडित करते हैं, उसमें भी जो लोग बहुत कुरूप बनाकर फोटो खींचते हैं, तरह तरह के मुंह बनाकर लोग फोटो डाल रहे हैं, ये सीधा संबंध राहु से है। क्योंकि राहु का पास केवल फेस है, तो राहु का जो फेस है वो फोटो का फेस, फोटो में भी हम लोग फेस डाल रहे हैं तो उससे वो कनेक्ट करता है। लोग अब अपनी महिमा मंडन खुद ही कर रहे हैं, कोई अच्छी ड्रेस पहनी तो फोटो डाल रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं तो फोटो डाल रहे हैं, कोई भी घटना हो छोटी से छोटी, इवन देन रोग हो जाते हैं, कई लोगों को चोट लग गई तो उन्होंने पोस्ट डाल दी तो चोट लग गई है। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो फोटोग्राफरी है, वो जो भी डेटा है, यानी कोई घटना घटी वो जो चीज़ कैप्चर हो गई, यानी इतिहास, इतिहास भी राहु के अंडर में आता है। अब यहाँ ये समझते हैं कि जो सेल्फी है, फेसबुक है, जो सोशल मीडिया का जो इतना बड़ा तंत्र है, इसमें क्या केवल राहु ही इन्वॉल्व है? नहीं, इसमें और भी प्लैनेट हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो फोटो वाली बात है वो राहु के अंडर में आती है। अब ये जो टेक्नोलॉजी है, ये शुक्र के अंडर में। अब जैसे अब आप लोग एक ऐप लीजिए, मानिए हमने फोटो खींची और फोटो खींचने के बाद फेस बहुत डल आया, रंग दबा हुआ आया, तो अब तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से कई एडिटिंग सॉफ्टवेयर आ गए हैं। वो ऐप डाल लिया, गोरा हो जाएगा व्यक्ति, और गोरा होने के बाद फोटो पोस्ट कर रहे हैं। ये गोरा होना, यानी राहु ने तो फोटो खींची, लेकिन उसको जो सुंदर बना रहा है ऐप, ये शुक्र के अंडर में आएगा, यानी वीनस। शुक्र ग्रह सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम लोग जो फोटो अपडेट करते हैं, टेक्नोलॉजी है, जितना महंगा इंस्ट्रूमेंट होता जाएगा वो शुक्रत्व तो उसमें बढ़ता जाएगा। सॉफ्टवेयर के प्रचार प्रसार के जो तरीके हैं वो भी लोग शेयर करते हैं, तो ये सारी फोटोएं और फोटो को सुंदर करने का संबंध राहु और शुक्र से हो गया। अब इसके अलावा एक प्लैनेट जो है वो है बुध। बुध है कम्युनिकेशन का, यानी अगर हम कोई फोटो पोस्ट कर रहे हैं या कोई मैटर पोस्ट कर रहे हैं तो वो कम्युनिकेट हो रहा है, वो उसको कई लोग पढ़ रहे हैं, उसके बाद लोग कमेंट्स दे रहे हैं, एक संवाद शुरू हो रहा है। कई लोग ऐसे हैं, आप फेसबुक में जानते ही होंगे, कि लोग मिले नहीं हैं बहुत सालों से, लेकिन कनेक्ट हैं। अब यहाँ मिलना और कनेक्शन होना अलग अलग हो गया है, यानी लगातार चीज़ों से हम अपडेट रहें, सूचना मिलती रहे, तो ये जो चीज़ें हैं ये बुध के अंडर में आते हैं। तो राहु फोटो है, बुध वो जो कम्युनिकेशन स्किल है, जो टेक्नोलॉजी भी है, और शुक्र आपको सुंदरता है, कैसे आप चीज़ों को परोस रहे हैं अच्छे से, ये इसके अंडर में आता है। वहीं जो शुक्र है और जो बुध है, बुध और शुक्र मिलके फाइनेंस भी बनते हैं, यानी वॉलेट हो गया, डिजिटल पेमेंट होने लगा है, ये सब चीज़ें भी इससे हैं। लेकिन हम लोग आज बात कर रहे हैं फोटोग्राफी से, इसलिए सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा जो प्लैनेट काम करते हैं वो राहु, बुध और शुक्र, जिनकी कुंडली में ये प्लैनेट बहुत एक्टिव हैं, तो ये लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं।
तो हमने जाना शशि जी से कि सोशल मीडिया का क्रेज क्यों बढ़ रहा है और राहु कैसे जिम्मेदार होता है आपके फोटो शेयर करने के क्रेज के पीछे। आगे भी इस विषय पर हम चर्चा करेंगे अपने कार्यक्रम में, लेकिन फिलहाल दर्शकों वक्त है आपके सवालों का। आज का पहला सवाल कौन पूछ रहा है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आपका कोई सवाल, आपकी कोई समस्या जो आप शेयर करना चाहते हैं तो अपनी डिटेल्स के साथ अपना सवाल हमें व्हाट्सएप या ईमेल कर दीजिए। हमारी डिटेल्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश की जा रही है। तो आज का हमारा पहला सवाल प्रतीक सिंह है हमारे दर्शक, वो पूछ रहे हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 30 सितंबर 1988, जगह है मेरठ, समय है 7:20। सवाल इनका यह है, बिजनेस के बारे में पूछना चाहते हैं, कितनी सफलता मिलेगी। प्रतीक जी ने प्रश्न किया है बिजनेस से रिलेटेड, इसमें सफल होंगे कि नहीं। कन्या लग्न है और वृष राशि है, चंद्रमा बहुत बलवान है और भी स्थितियां बहुत अच्छी हैं, करियर तो बहुत ही अच्छा है, तो बिल्कुल आप व्यापार में बिल्कुल सफल होंगे और केवल देश ही नहीं आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो कोई भी आप व्यापार करिए उसमें ये भी ध्यान रखिएगा कि इसको अपना सामान यहाँ का विदेश में भी आप बेच सकते हैं, विदेश से संबंध बना हुआ है कुंडली में, तो काफ़ी पॉजिटिव है। अभी थोड़ा सा समय नहीं ठीक है, लेकिन जनवरी से वो भी ठीक हो जाएगा। ईर्ष्या करने वालों की संख्या अधिक रहेगी, तो उसको लेकर आपको चिंता नहीं करनी है। सभी से प्रेम से बात करिए और अपने व्यापार पर ध्यान दीजिए, अपने काम पर ही फोकस करिए। तो उम्मीद करते हैं प्रतीक जी को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब दर्शकों अपने कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार है बाकी बची राशियों का राशिफल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम समय चक्र में, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जय गणपति। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आइए अब जानते हैं अगली चार राशियों का राशिफल। सिंह राशि वालों के लिए फोकस है, रेस्ट करने का मौका कम मिलेगा, ऑफिस में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, इसलिए काम पर फोकस करें। न्यायालय या कानून से संबंधित आज आपके कार्य बन सकते हैं। अलर्ट रहना है कि सुबह जल्दी उठिए, देर तक कतई ना सोएं। कन्या राशि वालों के लिए फोकस है, धैर्य के साथ अपने काम को करते चलिए, गणपति जी आपको शुभ परिणाम देंगे। समय का ध्यान रखते हुए अपने कामों को सूचीबद्ध तरीके से करिए, हर चीज नोट कर लीजिए। अलर्ट रहना है कि यूरिन इन्फेक्शन संबंधित कोई दिक्कत हो सकती है आपको, सचेत रहिएगा। तुला राशि वालों के लिए फोकस है, छात्रों को अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए इस समय प्रयास करने की जरूरत है। यदि कोई परिचित हॉस्पिटल में अगर भर्ती है तो उसके हालचाल लेने जरूर जाइए। अलर्ट रहना है कि विवादों से खुद को दूर रखिए और कम बोलिए, शांत रहिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए फोकस है, आज के दिन क्रिएटिव काम करें, कला क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए दिन शुभ है। विदेशों से इस दौरान आपको लाभ मिल सकता है। अलर्ट रहना है कि किसी के विवाद को बहुत हवा ना दें, ना ही अनावश्यक रूप से बहस करें। तो ये था चार राशियों का राशिफल, कैसा है आज का आपका दिन ये हमने जाना। अब दर्शकों वक्त हो चला है अपने खास विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाने का। आज हम शशि जी से जान रहे हैं कि आप अगर सोशल मीडिया का क्रेज रखते हैं तो उसके पीछे कौन सा प्लैनेट जिम्मेदार होता है, राहु कैसे जिम्मेदार होता है आपके फोटो लेने के क्रेज के पीछे, ये बातें हम समझ रहे हैं शशि जी से। दर्शकों अभी हमने जाना कि राहु कितना इम्पॉर्टेंट है सोशल मीडिया में। राहु को लेके बहुत ज़्यादा भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, ये हमेशा ऐसा नहीं कि बहुत निगेटिव ही करेगा, ये केवल हेल्थ के लिए है, लेकिन बाकी चीज़ों में प्रसार का ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। किसी भी चीज़ को इधर से उधर अगर पहुँचाना है तो वो राहु ही है जो प्रसारित कर देता है। इसके अलावा अब इन सब चीज़ों की अपने कुछ पॉजिटिविटी है, अपनी निगेटिविटी है, तो क्या क्या चीज़ें पॉजिटिव हैं इनको भी समझ लेते हैं। दर्शकों आज के इस कलिकाल में
सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो गया। व्यक्ति अपनी बात कहने लगा। राहु जो है वो घर में या समाज में बुजुर्ग लोगों को रिप्रेजेंट करता है, और आप देखेंगे कि यूथ तो एक्टिव है ही है, लेकिन जो वरिष्ठ लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो भी फेसबुक में या व्हाट्सएप में या सोशल मीडिया में हैं, और वो अपने अपने जो भी उन्होंने काम किया है, जो भी उनके अंदर क्वालिटी है, उसको करते हैं। कोई कविता लिखता है, कोई लेख लिख रहे हैं, कोई समाज को सुधारने के लिए अपने अपने कमेंट्स दे रहे हैं। ये जो कम्युनिकेशन है ये बहुत पॉजिटिव है। यहाँ तक कि सूर्य यानी राजा भी इससे फीडबैक लेते हैं। कोई समस्या होती है कहीं पे, कोई अगर अव्यवस्था है तो फेसबुक में, ट्विटर में, इन सब चीज़ों में जब डालते हैं तो गवर्नमेंट एजेंसियाँ भी इस पर निगाह रखती हैं, जो समस्या है आपकी समस्याएं दूर करने का प्रयास करती हैं। तो ये इसका एक बहुत पॉजिटिव पक्ष हो जाता है। लोग अपना प्रचार प्रसार स्वयं करने लगे हैं। अब तो कई बार ऐसा होता है कि जो मीडिया हाउसेज हैं उन तक लोग नहीं जाते हैं, सीधे अपने कार्यक्रम को अपने फेसबुक या इन सब चीज़ों में डालते हैं और वहाँ से मीडिया उठाता है। कई बार खबरें मीडिया को सोशल मीडिया से मिल जाती हैं, तो ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन निगेटिव बात क्या है? देखिए, हर चीज़ का एक अपना पॉजिटिव है, अपना निगेटिव है, हर चीज़ का एक साइड इफ़ेक्ट है। कोई भी चीज़ 100% पॉजिटिव नहीं है। इसमें बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो समस्या राहु क्या है, राहु असुर है। असुर का अर्थ होता है, एक होता है सुर, एक होता है असुर। सुर का मतलब होता है डिसिप्लिन, यानी जैसे आप कोई गाना गा रहे हैं तो कहा जाता है कि सुर में गा रहे हैं। असुर का मतलब हो गया कि बिल्कुल इनडिसिप्लिन, कि कोई कई बार ऐसा होता है कि नैतिक मूल्यों का ह्रास हो जाना, जो चाहा लिख दिया। कमेंट करते हैं तो कमेंट में लोग अपशब्द लिखने लगते हैं, ये इसका एक साइड इफेक्ट है। ये राहु का ही एक विभत्स रूप है जिसकी वजह से इसका फेस करना पड़ता है। तो जिन लोगों का राहु अगर कुंडली में निगेटिव है, खराब है, उनकी मानसिक रूप से कनेक्ट होने वाले प्लैनेटों से वो जुड़ गया है या उसके साथ है, तो ऐसे लोग बहुत गलत कमेंट करते हैं, अभद्र कमेंट करते हैं। इसके अलावा राहु जो है वो नशेबाज बनाता है, यानी वो एडिक्शन दे देता है। फेसबुक चला रहे हैं, सोशल मीडिया आप अपने सुविधा अनुसार चलाएं, लेकिन ये धीरे धीरे ये किसी चीज़ की आदत डाल देगा, तो लगातार आदत हो गई। अब लोग यहाँ तक हो गया कि जब खाली बैठे हैं तो खाली नहीं बैठ रहे हैं, फेसबुक में लगे हैं, फिर अपने सोशल मीडिया में चीज़ों को चेक कर रहे हैं, तो ये एक एडिक्शन होता जा रहा है। तो राहु एडिक्शन करता है, केवल शराब का नशा, सिगरेट का नशा ही नहीं, इन सब चीज़ों का भी नशा हो सकता है। जहाँ जहाँ राहु का इन्वॉल्वमेंट है, चाहे वो पॉजिटिव हो वहाँ, चाहे वो निगेटिव हो, उस चीज़ की आदत पड़ती जाती है। तो जिन लोगों के लिए अगर ऐसी स्थितियाँ हैं तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि राहु को कंट्रोल करने के लिए इन सब चीज़ों को लेके बहुत बंधन में नहीं आना चाहिए, एक बहुत मानसिक रूप से किसी एडिक्शन में नहीं आना चाहिए। इसके अलावा जो सोच है वो सोच भी थोड़ी सी गलत कर देता है, सोचों में थोड़ा सा न्यूनता आ जाती है, लोग गलत तरीके की सोच रखने लगते हैं, गलत पोस्ट करने लगते हैं, तो राहु अश्लीलता भी व्यक्त कर देता है। अब इसको उपाय, राहु शुक्र और बुध की युति है सबकी कुंडली में और ये पॉजिटिव भी है, ये होना भी चाहिए, लेकिन इसके जो भी निगेटिव हैं इनको समझ लेते हैं कि कैसे इनको ठीक करना है। सबसे पहली चीज़ ये समझनी है कि राहु जो है वो रात में बलि हो जाता है, क्योंकि सूर्य जैसे ही अस्त होते हैं वैसे ही राहु बहुत एक्टिव हो जाते हैं। इसीलिए लोग अक्सर शाम को जब ऑफिस से आते हैं, और राहु को ये एक मौका भी मिल जाता है कि आप ऑफिस से फ्री हो गए तब आप सोशल मीडिया में, दिन में तो ऑफिस में वर्क रहता है, प्रेशर रहता है काम का, लोग उसमें लगे रहते हैं। ध्यान ये रखना है कि जब आप सोने जाएं, सोते समय एक समय बना लें कि सोने से एक घंटे पहले मोबाइल को हम दूर कर देंगे, नेट बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिकली सब बंद हो जाएगा, और कॉल चालू रखिए कोई इमरजेंसी कॉल के लिए। इससे होगा ये कि ये आदत नहीं होगी, क्योंकि ये राहु धीरे धीरे बहुत ज़्यादा आपके दिमाग को दूषित करने लगेगा। आप उसका उपयोग करना चाहते हैं, उल्टा वो आपका उपयोग करने लगेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है।
दूसरी बात ध्यान ये रखनी है कि समय यानी एक टाइम फिक्स करना चाहिए, क्योंकि राहु बताया कि असुर है, इसका कोई टाइम नहीं है। मानिए आपने सोचा कि 5 मिनट के लिए देखते हैं, वो 5 मिनट से 15 मिनट कब हो जाएंगे, 15 मिनट से आधा घंटा कब हो जाएगा, और पता लगा 1 घंटा हो गया। तो बहुत टाइम डिसिप्लिन होकर ही काम करना चाहिए, क्योंकि जितनी चीज़ें सूर्य के एंटी हैं, सूर्य बहुत टाइम टेबल पसंद है, राहु जो अगर एंटी हैं तो उनको टाइम नहीं पसंद, अव्यवस्थित है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अव्यवस्थित नहीं रहना है। और इस अव्यवस्थित का एक रूप ये भी है कि जो भी आपको सोशल मीडिया में काम करना है उसका टारगेट पहले होना चाहिए। अगर आप इस समुद्र में अगर आप बिना लक्ष्य के गए तो आप भटकते हुए कहीं की कहीं वीडियो स्ट्रीमिंग करने लगेंगे, कुछ और पढ़ने लगेंगे, समय बर्बाद हो जाएगा। तो समय नहीं बर्बाद हो, क्योंकि सूर्य को भी हमें ठीक रखना है, क्योंकि सूर्य से ही पूरी प्रकृति है, सूर्य ग्रहों का राजा है। तो राहु को कंट्रोल करने के लिए आपको नियमित रूप से एक टाइम टेबल के साथ सोशल मीडिया का प्रयोग करना चाहिए। तो इस खास विषय पर बेहद अहम जानकारी आज हमने शशि जी से हासिल की। अब दर्शकों वक्त है बाकी बची 4 राशियों का राशिफल जानने का। आइए जानते हैं कहां पर करना है आपको फोकस, कहां पर रहना है आपको अलर्ट। धनु राशि वालों के लिए फोकस है, टीम के साथ कोई नए कार्य करने का मौका मिल सकता है। विद्यार्थी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें, ग्रहों की स्थिति इस समय पढ़ाई पर फोकस कराना चाहती है। अलर्ट रहना है, कार्य पूर्ण न होने पर क्रोध बिल्कुल ना करें। मकर राशि वालों के लिए फोकस है, आपने जो लक्ष्य बनाया है आज उस पर ही फोकस रहिए, भ्रमित ना हो, खुद को फिट रखिए, इसके लिए आप व्यायाम करिए, योग करिए। अलर्ट रहना है कि धन हानि आज हो सकती है, तो घर से बाहर जाइए तो अपना वॉलेट या धन जो भी है संभाल के ले जाएं। कुंभ राशि वालों के लिए फोकस है, प्रसार प्रचार से जुड़े हुए लोग जो हैं उनके लिए दिन आज बहुत अच्छा है। पुत्र या मित्र के माध्यम से धन का लाभ हो सकता है। अलर्ट रहना है कि पेट के निचले हिस्से में या अगर कोई तकलीफ है या दर्द रहता है तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। मीन राशि वालों के लिए फोकस है, अपनी मेहनत और लगन पर भरोसा रखिए, आगे बढ़ते रहिए, कार्य पूर्ण होंगे। जीवन को संतुलित बनाकर चलना होगा, यह बहुत जरूरी बात है। सुख दुख की स्थिति में बहुत सम रहिए। अलर्ट रहना है कि अग्नि दुर्घटना से घर के बच्चों को सुरक्षित रखिए। तो ये था बाकी बची राशियों का राशिफल। अब वक्त है आज के दूसरे सवाल का। आज का दूसरा सवाल हमारे दर्शक ईश्वनी त्रिपाठी पूछ रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ है 24 दिसंबर 1993, समय है सुबह 8:42, जगह है कानपुर। सवाल इनका यह है कि इन्होंने बीटेक मैकेनिकल से किया है और अब नौकरी के प्रयास में है, नौकरी कब तक मिलेगी। ईशमणि त्रिपाठी जी का प्रश्न है, कैरियर संबंधित जिज्ञासा है, मकर लग्न है और मेष राशि है और गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है कुंडली में। ईशमणि जी आपको कुछ चीज़ें समझनी होंगी कि आपने मैकेनिकल से बीटेक किया है लेकिन इस कुंडली में गुरु तत्व बहुत एक्टिव है, यानी आपने जो पढ़ा है उसको पढ़ाने की स्थिति में अगर आप हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में भी एक बार ट्राई करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको नॉलेज देनी है जो भी आपने ज्ञान लिया है। तो और अभी ग्रहों की स्थिति कुछ ठीक नहीं चल रही थी लेकिन जनवरी से ठीक हो जाएगी, यानी अभी कुछ समय थोड़ा संघर्ष है लेकिन जनवरी से चीज़ें ठीक होंगी। और अभी आपको जॉब मिले इसके लिए एक उपाय बताते हैं कि आप सोते समय अपने पिताजी के चरणों को दबाएं और घर से जब आप निकलें तो पिताजी के चरण स्पर्श करके निकलें और पिताजी से किसी भी प्रकार का कोई विवाद ना करें। ये 3 बातों को आप केवल फॉलो करिए क्योंकि सूर्य की दशा चल रही है और आपके लिए सूर्य थोड़े से एंटी हैं, उनको प्रसन्न करना है, जॉब उनके हाथ में है तो इतना आप काम करिए। इसके अलावा जनवरी से चीज़ें आपको नए ऑफर भी मिलेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा ये भी देखना चाहिए कि एजुकेशन लाइन में भी आप अपनी फील्ड की किसी एजुकेशन लाइन में भी आप आ सकते हैं।
तो उम्मीद करते हैं ईशमणि जी को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। खास उपाय आपको बताए हैं जिसे आप करेंगे तो जल्द ही आपको नौकरी की प्राप्ति होगी। अब दर्शकों अपने कार्यक्रम में वक्त हो गया है काम की बात जानने का। जानते हैं शशि जी से आज कौन सी अनमोल काम की बात वो हमें बताने जा रहे हैं। आज की काम की बात राहु से ही संबंधित है, राहु पे हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं। एक बड़ी व्यवहारिक बात है कि अगर पेट में बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो आप ग्रह नक्षत्र को, अगर आपको नहीं पता आपकी कुंडली नहीं है तो ये तय जान लीजिए कि अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है या कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कब्जियत हो रहा है, तो कहीं ना कहीं राहु का इन्वॉल्वमेंट इसमें है। ये कुंडली आप देख के बताएं या बिना देखे बताएं। इस राहु को शांत करने के लिए उपासना के अलावा एक प्रैक्टिकल लाइफ में सुबह उठकर आप जल पीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना जल पी सकते हैं वो पीजिए। दिन में भी आप ज़्यादा पानी पीजिए। आप जितना ज़्यादा जल पियेंगे उतना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा और राहु शांत होगा। यानी जल पीने से राहु शांत होता है और पेट से संबंधित चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी। इन्फेक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा पानी से ठीक होता है और राहु जल से डरता भी बहुत है, इसलिए जल अधिक पीजिए। तो ये थी आज की काम की बात। इसी के साथ ही साथ आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में हमने आपका राशिफल आपको बताया, साथ ही जाना कि सोशल मीडिया के क्रेज के पीछे क्या होता है ज्योतिषी कारण, ये हमने जाना। अब वक्त है दर्शकों आपसे विदा लेने का। बहुत बहुत धन्यवाद शशि जी। जय गणपति। कल फिर होगी आपसे मुलाकात आपके राशिफल के साथ। तब तक आप देखते रहिए एबीपी गंगा।